नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माय स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं सीनियर फिल्म प्रेस फोटोग्राफर उमेश व्यास जी। उमेश व्यास जी को आज की पीढ़ी नहीं जानती है। उन्होंने लगभग 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में एज ए प्रेस फोटोग्राफर काम किया, खुद संघर्ष किया, खुद अपना एक स्थान बनाया, मुकाम हासिल किया। दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा, नीना तमान, कई कलाकारों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। उमेश व्यास जी इन दिनों रह रहे हैं इंदौर में। आइए सुनते हैं उनसे उनकी कहानी माय स्टोरी में। और फोटोग्राफर के साथ एक उम्मीद रखते हैं लोग, खासकर प्रेस वाले, कि फोटोग्राफर तो फोटो फीचर जरूर करेगा। तो फोटोग्राफर अगर है ये प्रेस का फ्रीलांसर तो फोटो फीचर जरूर करेगा। फोटो फीचर आपने किया है? फोटो फीचर्स तो मतलब जैसे मैंने अभी बताया जी हाँ, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद जीतू जीतू साहब का पहले किया था या मेरे ख्याल से पहले, क्योंकि ये आ गई थी शोले और शोले को मुझे याद नहीं कितने दिन हो गए थे, वो चल ही रही थी पिक्चर, चल ही बंद हूट मिनरवा में। अच्छा, तो ये राउफ अहमद ने, मुझे ये भी याद नहीं है तब वो कौन सी मैगजीन में आ गया था, फिल्म फेयर की बात, फिल्म फेयर की तो नहीं होती क्योंकि वो पैसे देते ही नहीं थे। तो शायद मूवी मैगजीन की बात है या सुपर करके एक मैगजीन आई थी, सुपर सिनेमा, सुपर सिर्फ सुपर। अच्छा। गोखले जो लॉ मिनिस्टर थे उनकी डॉटर इन लॉ, उन्होंने वो मैगजीन शुरू की थी, उसमें राउफ अहमद। अच्छा। उसमें से हाँ याद है, उसमें से वो फीचर्स का काम वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा। कि पहला फीचर हमने जाके उसको हम ले गए मर्सिडीज कार में जा रहा है अमजद, उसके पीछे वो मैं फोटो ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं आगे चला गया उसकी कार आते हुए वो फोटो लिया, फिर उसको उतर के स्टेशन थिएटर में टिकट खरीदा अमजद ने, वो मिनरवा में कुछ टिकट खरीदा उन्होंने, हाँ टिकट खरीदा, और तब जब पिक्चर अंदर चल रही थी मिनरवा थिएटर में, और फिर चुपचाप ऊपर ही ऊपर की रो में अमजद चुपचाप बैठ गया, हम सब लोग पीछे खड़े रहे। एक आध किसी ने ध्यान दिया होगा कि तीन चार लोग खड़े क्यों है, कौन है ऐसा, और जैसे ही लाइट उठी और लोग आके, कुछ लोग तो चले गए देखते देखते कि पता नहीं कौन है, एक आदमी अरे अमजद, फिर तो हंगामा हो गया पूरा थिएटर, जैसे ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब मैंने ऐसी फोटोग्राफी, मुझे समझ में नहीं आया कि यार मैं तो फंस गया, कैसे ये होगा, कौन कैमरा खींच रहा है, कौन मुझे खींच रहा है, कौन, तो ये मतलब ऐसी फोटोग्राफी मतलब पहले मैंने कभी की नहीं। आजकल खैर तो बहुत सारा हंगामा होता है बहुत, मतलब लेकिन फिल्म फोटोग्राफी में, मतलब प्रेस फोटोग्राफी में इस तरह की फोटो सेशन तो ठीक है, एक एक आदमी का, ये जो इतना एक्शन अमजद खान का, पूरे क्राउड उभरने लगा, क्राउड और वो भी थिएटर में, और मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, और तो ऐसा मतलब एक दिन मैंने अमजद खान को बाद में याद भी दिलाया, उनको अमजद भाई आपको याद है मैं आपके घर पे आया था, शोले शुरू हुई भी थी, शोले
शूट हो चुकी थी और आपकी एक फोटो लगी थी, तो आपका चेहरा डीन, एक अमेरिकन एक्टर है था डीन मार्टिन, मुझे ऐसा लगता था कि डीन मार्टिन से शक्ल मिलती है, तो मैं तो अमजद खान के घर गया तो मैंने कहा अरे डीन मार्टिन की फोटो यहाँ क्यों है, तो उसने मजाक की बोले मैं 100 साल का हो जाऊँगा जब मेरी शक्ल अब डीन मार्टिन जैसी लगने लगेगी, और उसकी शक्ल वाकई में अगर कोई गौर से देखे तो डीन मार्टिन और अमजद खान की शक्ल मिलती। अमजद खान ने बहुत सबसे बड़े प्यार से बात की, उसका एक्सीडेंट भी हो गया तो भी ऐसा नहीं होता था कि आप उसके रूम में नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं हो गया आप उसके घर नहीं जा सकते हो, आप साथ में खड़े हो कितनी भी बातें कर लो, उसके साथ में बैठ के चाय पियो, मतलब उसके जब हमारा अमिताभ से झगड़ा हो गया तो हमने उसको समझाया कि भाई हमारी क्या गलती है, आपका जो भी झगड़ा है तो जर्नलिस्टों के फोटोग्राफर्स को क्यों ये करते हो, तो अमजद भाई ने ये भी कहा कि मैं समझाऊंगा। खैर अमिताभ उनसे भी समझा नहीं, पर उनको भी दुख हुआ था इस बात का, और मुझे आज भी इतना दुख होता है कि अचानक अमजद की डेथ हो गई। मतलब अमजद भाई के बारे में सुना जाता है कि वो चाय बहुत पीते थे। चाय तो मतलब मैं भी चाय बहुत पीता था। अच्छा। चाय के बाद चाय, चाय के बाद चाय, सिगरेट के ऊपर सिगरेट, सिगरेट के ऊपर सिगरेट, के ऊपर सिगरेट, बल्कि ऐसा होता था लोगों में बदनाम मैं भी हो गया था और अमजद के लिए बदनाम भी बोलूँगा, और वहाँ तो कहते जैसे वो शूटिंग में आते थे तो उसके लिए पूरी ट्रे आ जाती थी। अच्छा। और मैं दोनों साथ में हो जाते जब तो पूरी केटली केटली आ जाती थी। ओ। तो बहुत चाय पी, हो सकता है उसी से वो बहुत मोटे भी हो गए थे और बहुत ज़्यादा वो नहीं, वो तो कहते हैं कि उनके एक बार एक्सीडेंट हुआ था, फिर जो दवाइयाँ दी गई थी उसका साइड इफेक्ट हुआ था। हाँ ये भी हो सकता है, उससे उनका शरीर फूल गया था। हाँ, पर चाय तो बहुत पीते थे, दारू तो कभी उन्होंने हाथ लगाया नहीं। और उसका फी मतलब वो फीचर की एक जब वो हिट हो गया वो फीचर अमजद द्वारा अमजद खान ने, तो फिर एक और फीचर बोला वो रऊफ में बड़ी क्वालिटी है रऊफ अहमद में, मतलब रऊफ के लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो बहुत बड़ा इंसान है। और मतलब देखो इसके पहले एक बढ़िया बात कहना चाहता हूँ, रऊफ से एक दिन मैं कुछ अनबन हो गई तो मैंने उसको फोटो देना बंद कर दिया, बोला क्यों, मैंने कहा मेरी मर्जी नहीं देता, फिर बाद में मुझे नुकसान होने लगा तो मैं गया, तो मैंने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा फोटो लिए, पर मैंने रऊफ से मैंने कहा रऊफ देखो रऊफ अहमद को सब लोग रऊफ सर कहते थे, पर मेरा उसका इतना प्यार था कि मैं सिर्फ रऊफ ही बोलता था। अच्छा। तो मैंने कहा रऊफ तुमको गुस्सा नहीं आया, तुम इतने बड़े आदमी हो गए और मैं वही का वही हो, तो तुमने मुझे फिर भी अंदर आने दिया फोटो लेके, भगा नहीं दिया, बोले क्यों भगा दूंगा, तुम कौन से छोटे इंसान हो, जैसा तुमने मुझे बड़ा कर तुम्हारे साथ में होके मैं बड़ा हुआ हूँ वैसे आप हैं, और आपको अगर कोई गुस्सा आया तो मुझे भी कभी गुस्सा आता है, तो मतलब राउत की बातों को तो मतलब मैं इससे बढ़िया इंसान मैंने अमजद विनोद खन्ना नो सॉरी विनोद खन्ना नहीं विनोद मेहरा और जर्नलिस्टों में रऊफ अहमद बहुत बढ़िया आदमी थे। तीसरा ऐसे तो बहुत थे, इसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा राज बब्बर का, बहुत लोगों का रहा,
लेकिन ये बहुत अच्छा। खैर कमिंग बैक टू, इन्होंने दूसरा फीचर, उन्होंने जीतू जहाँ पैदा हुआ था गिरगांव में, जिस छोटे से कमरे में वो रहता था, तो उसका फीचर करते हैं अपन। तो हम लोग जीतू जीतू साहब को लेके, मेरी एक आदत है, मेरे से जो मैं जब इंडस्ट्री में आया, मेरे सामने जो लोग आए इंडस्ट्री में, तो उनको मैं हमेशा देखो फिल्म इंडस्ट्री में एक बात है, लड़कियां सब देव साहब को देव बोलते हैं, लड़के देव साहब बोलते हैं, लेकिन मैं देव साहब को देव साहब ही बोलता था, लेकिन मिठुन को मिठुन बोलता था, वो तो मेरे सामने बच्चा आया था, तो जीतू को हमेशा जीतू साहब ही बोलता था मैं। तो जीतू साहब को लेके हम वहाँ गए, ओ पूरी हंगामा हो गया। तो वो चाल, उस युगांड चाल में जहाँ वो पैदा होते, जहाँ वो रहते थे, जिस रूम में रहते थे, वहाँ के सब लोग, वहाँ के लड़के बच्चे औरतें सब, पूरा रूम भर गया वहाँ। और मतलब जैसा हंगामा अब्जेक्ट के टाइम फीचर करने का, वैसा ही हंगामा। ओहो। तो हमने मतलब वहाँ से उन्होंने सारा किस्सा बताया, जब पैदा हुए तब क्या होता था, कैसे कहाँ खाना बनाते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ नहाते थे, क्या कौन पड़ोस में कैसे पोटी करने जाते थे, सारे बातें, जो जो आए उनके साथ में फ़ोटो, कितने लोगों को बुला बुला के फ़ोटो खिंचवाए। फिर जीतू साहब ने बताया कि वो आज की बात नहीं है कि तुम लाए हो इसलिए मैं आया हूँ, मैं हर गणेश चतुर्थी को आता हूँ। तो जीतू साहब हर गणेश चतुर्थी को वहाँ जाते हैं और आज भी जाते हैं, ऐसा मेरा अंदाज है, क्योंकि ये उनसे। फिर वहाँ से हम उनको कैसे हीरो बने, तो हम उनको वहाँ ले गए उनकी दुकान पर, जहाँ से वो गहने, नकली गहने लेके और शूटिंग के लिए लेके जाते थे, और वहाँ क्या नाम उनका, अरे उनका नाम बोलो ना यार, अटक जाता है नाम, कौन सा स्टूडियो वो, राजकमल। हाँ राजकमल, राजकमल का मालिक कौन है, उन्होंने तो हीरो लिया था इसको ना, शांताराम। अरे राजकमल का हीरो मालिक कौन था, जिसने जिसने हीरो बनाया उसको, जितेंद्र को, जितेंद्र को, नाम तुरंत याद नहीं आ रहा है। देखो मुझे तुरंत नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ बात करते हैं जीतू साहब की और राजकमल स्टूडियो। हाँ तो फिर वहाँ से अब एक आध स्टूडियो में और भी ले गए उनको, कि नहीं वो एक अलग, एक अलग फीचर किया था, मतलब वो जीतू साहब को वो बाद में उसके बारे में बताऊंगा, ये तो सिर्फ वहाँ से और राजकमल दो ही जगह हम गए थे। अच्छा। तीन जगह, एक तो उनकी दुकान पे, घर पर गहनों की दुकान पे, और फिर राजकमल। तो ये पूरा फीचर जीतू साहब पे गया। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद जब राउफ अहमद इसमें आ गए, किसमें, मूवी मैगजीन। अच्छा। महालक्ष्मी के पास, तब वो मतलब मैं उनका फेवरेट हो गया था फीचर्स। अच्छा। वाला, कि ऐसा नहीं हो कि वो किसी और से करवा ले, ऐसा राउत ने कभी सोचा भी नहीं। कि एज लॉन्ग एज उमेश इज डूइंग इट, उमेश इज डूइंग इट। नहीं तो बोले अब, उसके पहले हम और भी कर चुके थे, जैसे विद्या सिन्हा का एक फीचर किया था। अच्छा। वो कैसे स्टूडियो गए, लोगों से मिलने गए, कैसे लोगों से मिलती थी। अच्छा। कैसे उसका मेकअप होता था, किस स्टूडियो कहाँ रहती थी, उसका घर, मतलब
उसका भी जगह जगह जाके उसका मार्केट में जाके सब्जियां खरीद रही है। अच्छा, लाइव। हाँ, तो वो भी एक फीचर किया था। फिर जब इसमें आ गए राउफ इसमें आ गया मूवी मैगजीन में, तो फिर से एक फीचर हमने जीतू साहब को स्ट्रगलर के हिसाब से। अच्छा, तो वो सब लोगों को मतलब जैसे हम गए तो जैसे नटराज स्टूडियो में गए तो मतलब ये उन्होंने कैसे मैनेज किया पता नहीं, वो यह उसको पहले समझाया था कि गेट पे रोक दिया उसको, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे नहीं, मैं स्ट्रगलर हूँ, मुझे या ऐसे ही बोला होगा, मुझे याद नहीं आता कैसे किया था कि उन्होंने ऐसे कहा, मुझे जाने दो यार अंदर, मैं स्ट्रगलर हूँ, मुझे लोगों से मिलना है। तो वो हंस दिया उसने, अंदर जाने दिया। अच्छा। शराब करके फिर वो गए, तो सबसे पहला आदमी जो मिला उस दिन वो था अपने यार गुजराती जिनकी डेथ हो गई थी बाद में, बहुत बड़ा स्टार। अरे यार वो ना भी अटक गया, सबसे पहला इंसान जो स्टार जो मिला, तो वो जाके पहले तो मैं अंदर घुसा तो संजीव कुमार तो किसी को ऐसा रोकता वोकता नहीं है, तो भी उसको आश्चर्य हुआ कि अचानक खाने के टाइम में ये उमेश व्यास कैमरा लेके अंदर आ गया। तो ऐसा मेरे को क्या है, मैंने कहा पीछे देखिए, तो पीछे से जीतू साहब आए अंदर और बोला सर आई एम ए स्ट्रगलर, मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ। तो संजीव कुमार देखने लगे, बोले ये क्या है? बोले नहीं, आज मैं स्ट्रगलर बन के आया हूँ, तो सब लोगों से मिलता जा रहा हूँ। तो संजीव कुमार ने कहा अरे यार तो बड़ा स्टार तू है, मैं तू मेरे को हेल्प कर दे, मेरे को फिल्म दिला दे। और फिर वहाँ उस दिन खींचा आया था उनके लिए, बोले आज तो सही टाइम से आया है, हमारे गुजराती खींच रहा है बन के। वो तो वो नहीं था, मतलब मीट का खींच रहा था, मीट कर रहा था। तो खैर मैं तो खाता नहीं था, तो सब ने बैठ के वहाँ खाना पा, तो पार्टी हो गई। फिर ऐसे ही बहुत से लोग वो आत्माराम के घर में वो नटराज स्टूडियो में बहुत सारे ऑफिसर्स थे। एक स्टूडियो ऐसा है जैसे अगर आप मोहन स्टूडियो की बात करो तो वहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन मोहन स्टूडियो में आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडियोज हैं वहाँ। नटराज में भी है? हाँ, सक्सेरिया का स्टूडियो था, उमेश मेहरा का था, उमेश मेहरा के यहाँ गए, और भी बहुत सारे मुझे मिलते याद है, सबके स्टूडियो में गए, जितने ऑफिसर्स थे वहाँ स्टूडियो, मतलब ऑफिसर्स बहुत थे। आत्माराम था और बहुत से, अब नाम याद नहीं आ रहा, बहुत लोगों के स्टूडियो में गए सब से, और सब चौंक जाते हैं जीतू आ रहा है हमारे ऑफिस में। तो बोले मैं जीतू नहीं हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ, ये उमेश व्यास हेल्प कर रहा है मेरी। अच्छा। और ये आपको मिलाने लाया है मेरे से, ऐसे सब वो मतलब फीचर तो था पर वो ज़्यादा मजाकबाजी हो गई, क्योंकि अब जीतू को कौन कहेगा कि आप स्ट्रगलर हो, पर आया मजा उसमें। ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा एक दो तो स्टूडियो अपने। हाँ, फिर ये जब ये शूटिंग का फीचर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। कि उन्होंने कहा, सीने ने कहा आवा के साथ में ले जाओ शूटिंगों में जी, वहाँ के फोटोग्राफ और वहाँ की बातें सब, तो वो
वैसे फीचर, तो कई दफ़े ऐसे खैर शूटिंगों के मेरे बहुत फीचर बनते थे, मतलब वो बहुत सारे किसी किसी की हर एक पार्टी में मैं इतनी ज़्यादा फोटोग्राफी इतने ज़्यादा फोटो खींचता था कि अक्सर आदमी उसका पूरा 5-7-8-10 फोटो का फीचर बना ही देते हैं। उसकी एक मज़ेदार बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई शूटिंग चल रही थी, उसमें शूटिंग में उसको याद हो एक देव साहब डेविड साहब एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई बाद, वो बैठे थे तो मुझे ध्यान भी नहीं था, मैंने उनका फ़ोटो खींचा। और अक्सर क्या है शूटिंगों में और पार्टियों में लोग बड़े स्टारों के, जब स्टार बड़ा नहीं होता तो लोग फ़ोटो खींचते नहीं, कोई दिखते नहीं है, पर मैं हर स्टार की फ़ोटो खींचता था। तो मैंने उनके पास साथ फ़ोटो खींचे, मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरा कैमरे में उसके चेहरे को ही देख रहा था, वो फ़ोटो छप गया। तो उस उनकी पैंट की सिपर खुली थी, तो उन्होंने कुछ वो भी लिख दिया उस पर कैप्शन, कुछ मज़ेदार कैप्शन लिखा था, कोई गंदा नहीं लिखा था सिनेब्रिज ने। तो थोड़े दिन बाद डेविड साहब मिले तो मेरा कॉलर पकड़ा, बोले तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरी पैंट कभी खुली रह जाएगी और तू बंद करना भूल जा, ये आज भी सर्प है, मतलब श्राप है मेरे ऊपर। कई दफे अभी थोड़े दिन पहले मेरी ससुर, ये क्या है ढाके निकलो पैंट ढक तो बंद करो। अभी भी अगर फोटो है अंदर मेरी पैंट, तो ऐसे मज़ेदार बातें कई जगह हुई है। यह एक चीज़ मेरी हमेशा थी कि किसी भी शूटिंग में मुझे कोई खाने के बीच में उठा दे तो मैं उठता नहीं था। तो मेरा झगड़ा जौहर साहब से इस बात पे हो गया, कुछ दिन तक रहा झगड़ा, कि शूटिंग पार्टी ख़त्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, सब फोटोग्राफर्स बैठे खाना खा रहे थे और इतने में आ गया अमिताभ। तो यश जी आए, बोले अरे उमेश अमिताभ आया। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। तो यश साहब को बहुत गुस्सा आ गया, अरे खाना तो दिन भर खाना यार, अमिताभ आया ना। मैंने मैं खाना छोड़ के नहीं उठता हूँ सर, आप कहो तो मैं आपकी पार्टी में कभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी नहीं उठूंगा, और अगर आप कहते हो कि मेरे को उठना है तो मैं चला जाता हूँ। वो कुछ बोला नहीं, पर मैं अन्न छोड़ के उठा नहीं, मैंने खाना खाया और मैंने फोटो भी नहीं खींचा अमिताभ का, मैं वापस आ गया बाहर। कुछ दिनों तक यश जी से झगड़ा रहा, फिर एक दिन यश ने कहा यार मुझे ऐसे ही ठीक नहीं लगा था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अन्न तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा आप, मैं सुनाना तो नहीं चाहता आपको, लेकिन आपके खाने के लिए नहीं आते हम लोग, आप प्रेम से बुलाते तो ही आते हैं, ये तो आप आगे से बोलो अपना टिफिन साथ में लेके आएंगे। ये बात मैंने उनसे कही कि ये बात देवयानी चौबल भी कहती थी कि लोग जो कह देते हैं कुछ भी, उनको आगे से कह दो कि खाने का टिफिन भी हम लेके आ कर तुम भी खा लिया करो साथ में। तो ऐसे किस्से कई हुआ है, पर हम कितने किस्से सुनाऊं, मैं बहुत किस्से हैं मेरे तो। उमेश जी आप तो फोटोग्राफर है, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमाया है, सबकी फोटो खींचते हैं आप, उतारते हैं अपने कैमरे से, आपकी फोटो किसी ने उतारी है? नहीं, बहुत मेरे को असल में शौक नहीं था, मतलब मुझसे कई लोग ऐसा भी कहते भी थे, लेकिन हाँ एक तो है जैसे
कोई ऐसी बात थी जो मैं जिस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, उस बात को लेके अमिताभ बच्चन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और वहाँ और कोई फोटोग्राफर था नहीं, ताबे फोटोग्राफर है, उसने ही मेरी एक फ़ोटो खींची थी, उसने मुझे कॉपी भी दी थी, वो कॉपी कहाँ चली गई, खो गई, लेकिन वो फ़ोटो मुझे बहुत पसंद थी। और एक दफ़ा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में रामायण में उसके एक एक करके सब फोटो खिंचवा रहे थे, तो मुझसे कहा आप भी आओ, तो मैं खिंचवा तो ली, पर मैं कभी, मुझे ऐसा नहीं होता था कि किसी स्टार को बोलूं कि मेरे साथ में मेरे कोई फ़ोटो खिंचवाने, जैसे इसको शौक है चावला को, और एक तरह से आज मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए था, ना तो मैंने मेरे राइटर्स का कॉपी रखी, ना मैंने फोटो, सब लाखों फोटो रखे थे जो बरसातों में भीग गए, खराब हो गए, सड़ गए, कुछ जल गए, कुछ वो मुझे वो भी रखना था। ये चावला ने बहुत अच्छा काम किया कि आज उसके पास बहुत यादें हैं, मुझे तो याद आती है तो आती है, उसके पास तो सब यादें का कलेक्शन बना के रखा हुआ है। अब मुझे जब पैसों की तंगी हो गई तो मुझे कई लोग कहते हैं कि हम हेल्प करेंगे आपके लिए, कुछ उसका कर सकते हैं हम, फोटो का कोई कुछ बना सकते हैं कुछ, पर वो है ही नहीं। मैंने भी ये सोचा था, मैं देखता था अच्छा पांचाल और जगदीश और राम, इनके पास तो बहुत कलेक्शन था, तो मैं भी ये सोचता था कि मैं जब भाई ऐसी एज हो जाएगी कि मेरे पास ना कुछ कमाई नहीं होगी तो मेरे ये फोटो उस टाइम बिकेंगे, लेकिन ज़माना ही चेंज हो गया, फ़ोटो की जगह मोबाइल्स आ गए, मोबाइल्स के बाद कुछ आ गया, क्या क्या आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, हालांकि आज भी है, पर मेरे तो फोटो इतने फ़ोटो खींचते, लोग कहते हैं इतने फ़ोटो क्या करेंगे, तो मैं कहता था यार ये यादें रहेगी और कहीं ना कहीं काम आएगी ज़िंदगी में बुढ़ापे में, पता नहीं कब तक जीऊँगा, पर वो तब्दील में रहा नहीं, उसका पैसा भी बहुत सारी ऐसी। अरे आपको मैं एक फ़ोटो बताता हूँ जो मतलब रंजीत की शादी, दूसरी शादी पार्टी, और उसमें मैंने कहा यार ये फोटो मैं अगर खींचूंगा तो सब लोग आ जाएंगे, तो नरगिस जी से मैंने कहा, नरगिस जी थोड़ी हेल्प चाहिए, बोले बोलो, मैं कह देखिए आप हैं, राजेंद्र साहब हैं, राज साहब हैं, दत्त साहब हैं, चारों यहाँ हैं, मेरी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं कि मैं चारों को इकट्ठा एक जगह कर दूं, ये सब एक कोने में, एक दूसरा कोने, तीसरा कोने, अब राज साहब को बोलूँगा, दत्त साहब के साथ में आके फोटो खिंचा दूँगा, अब दत्त साहब को बोलेंगे तुम बुलाओ, तो मैंने कहा कि कैसे होगा, अच्छा और मैं लाऊंगा भी दूसरे फोटो वापस आ जाएंगे तो मेरी तो वो चली जाएगी, हालांकि मैं ऐसा बहुत कम करता हूँ, मैं तो सब फोटो वापस खींच भी देता हूँ, पर एक ये ऐसा फ़ोटो था इतने पुराने ज़माने का, तो नरगिस जी ने दत्त साहब को ले जाके खींच के ले गए, बोले आप यहाँ खड़े रहना, और उनका एक जो वो रहता है वो उसका नाम भूल गया मैं, एक्टर ही है छोटा मोटा, बोला तुम भी यहाँ खड़े रहो, यहाँ से दत्त साहब को जाने मत देना कि मैडम ने बोला है, फिर वो राज साहब को खींच के ले गए भाई, बोले आप यहीं खड़े रहिए, थोड़े दूर खड़े रहिए, फिर वो राजेंद्र साहब को भी ना, फिर नरगिस जी खड़े, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो साला बीच में वो आ गया जिसने नरगिस नीलम से शादी कर ली थी, जिसने बाद में नीलम मेरा नहीं थी, उसके हस्बैंड का नाम भूल गया, नाम नहीं आ रहा, चमचा था, चमचा वर्ड तो यूज मत करना वो एक तरह से दत्त साहब का चमचा ही था वो,
वो बीच में आके उसने मुंडी डाल दी। अच्छा। अरे मैंने कहा हट यार, ये मतलब लाइफ लॉन्ग फोटो बदल लिया कि टाइम के लोग हैं एक साथ इकट्ठे। बहुत इतने बिका उसकी कॉपी, मैंने उसको काला कर दिया था डार्क रूम में उस लड़के को। तो ये एक याद है, यादें हैं ऐसी कि ऐसा मैं ढूंढता था। मेरी एक आदत थी। एक दफे ऐसा ही मजा आया, जीना थाई उसके साथ में एक लड़का था, तो धड़ 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 10-15-20 फोटो खेल डाले मैंने। ऐसे फोटोग्राफर ने कहा अरे वो एक लड़का होगा, कौन होगा? तो लेकिन प्रदीप ढंग से समझे तो बेचते इतने फोटो खींचे हुए कुछ ना कुछ बात है। तो आके फटाफट फटा अभी मैंने क्या करा, बोले आप इतने फोटो क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा इसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड है। रॉबर्ट उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं था, उसका फ्रेंड था। वो उसको सन्मुखानंद हॉल में लेके आई थी। अच्छा, जीनत की मेरी अच्छी, देखो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ जीनत के बारे में। ऐसा कहते थे जीनत बहुत घमंडी है, जीनत ये नहीं वो नहीं। ये बात मैं करना तो नहीं चाहता था, पर भी बात निकल आई मुँह से। जब मेरी डॉटर की, बड़ी डॉटर की डेथ हुई और जब मैं वापस आया तो दो बातें बहुत, मतलब एक आदमी तो वो, उसका नाम था खान, तेज खान। उस टाइम उन दिनों में वो एडिटर था सुपर मैगजीन का, और उसमें मैं पूरा कॉलम लिखता था, पूरा कॉलम मेरा छपता था। तो उसको मैंने जब बोला कि ये मैं एक कॉलम नहीं लिख सकता हूँ, ऐसा ऐसा हो गया, मैं जा रहा हूँ इंदौर, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ यार। मतलब एक मैगजीन में एक पेज की कीमत होती है, पूरा पेज ब्लैक करके और उसमें मेरे डॉटर का फोटो छापा और उसमें इतना ही लिखा, कुछ अच्छा ही लिखा था उसने, मुझे याद नहीं आ रहा वो लिखा। वो सब ने पढ़ा ही होगा, सब देखा होगा। तो दो लोगों के बारे में बोलता हूँ। उसके बाद में जब वापस आया तो जब शूटिंग में, मनीष की शूटिंग की, नूतन जी के बेटे की पहली फिल्म की शूटिंग हो रही थी महबूब स्टूडियो में, तो जैसे शॉट फोटो हो रहे थे तो नूतन जी ने एकदम रोक दिया सबको, एक मिनट। और नूतन जी आपको एकदम रोने लग गई। नूतन जी का तो खैर सबका स्वभाव बहुत अच्छा है। कुछ दिनों बाद एक शूटिंग चल रही थी यहाँ चांदी वाली स्टूडियो में जीनत की, और मैं जीनत से कोई बातचीत भी नहीं थी। ठीक है, कभी उसने मुझे, उसको एक ये मालूम था कि ये इंग्लिश अच्छी बोलता है, फोटोग्राफर अच्छा है, तो फूट फूट के रोई। तब मुझे लगा कि जीनत के लिए जो बोलते हैं घमंडी है और ऐसी है वैसी है, कितनी सॉफ्ट हार्टेड औरत है वो। मतलब ये ऐसी बातें, तो वही मैंने कहा कि जैसे अमजद की बात है, विनोद मेहरा की बात याद है, राज बब्बर की बातें याद आती हैं, नूतन जी की तो खैर नूतन जी घर पे खाना खाने भी गया हूँ मैं एक दफे, जीनत की बात है, बहुत लोगों की अच्छी, रेखा के साथ भी बहुत अच्छी बनती थी मेरी। बाद में अमिताभ की वजह से उन्होंने उसको रोक दिया तो वो अलग बात हो गई। मेरे भी गलती थी क्योंकि जो फोटो उसको पसंद नहीं थे वो
छपवा छपने दिए मैंने, वो नहीं करना चाहिए था मुझे, बाद में बहुत समझा। वो तो उसका भी था कि अब उसको तो रोकना ही था मुझे कि अब अमिताभ के साथ में फोटो नहीं छपे, तो बाद में बंद कर दो एक मिनट यार।